केंद्र सरकार की ओर से बनाए गए कृषि कानूनों को बायपास करने के लिए राज्य सरकार संशोधन करेगी और इसके लिए राज्य सरकार की ओर से कानूनी राय ली जा रही है। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने कहा कि मंत्रिपरिषद की बैठक में इस पर चर्चा हुई है, आवश्यकता हुई तो जल्द ही विधानसभा का सत्र बुलाकर संशोधन किया जाएगा। साथ ही सदन में इन कानूनों पर चर्चा की जाएगी। चौधरी ने कहा कि तीनों कानून किसानों को कमजोर करने वाले कानून हैं। वहीं कांग्रेस विधायक बाबूलाल बैरवा की ओर से लगाए गए आरोपों को लेकर उन्होंने कहा कि सरकार और संगठन के प्लेटफॉर्म पर उनको अपनी बात रखनी चाहिए, जो भी समस्या है सरकार के स्तर पर उसे दूर किया जाए। विधायक के असहमति राज्य सरकार की है। असहमति के कारण ये है कि किसान के विरोध में है। सबसे मूल जो इसमें मुद्दा है कि राज्य सरकार के अधिकारों का हनन, और वो भी अगर किसानों की बेहतरी के लिए किया जाए तो राज्य सरकार उसको इजाजत दे या नहीं दे। किसान की बहुत संघर्ष के बाद देश के अंदर स्थिति के अंदर कुछ सुधार हुए। आज किसान को जिस चीज की आवश्यकता है वो तो केंद्र सरकार नहीं कर रही है, और बिना मांगी भी किसानों द्वारा ऐसे फैसले करने हैं जो भविष्य के अंदर बड़ा घातक सिद्ध होंगे।